सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग हम कल कर चुके थे। कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया था, और जो 9th क्लास में आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो हमने रिवाइज किया था कि आपने अब तक अनग्रुप डेटा को एनालाइज करना, उसकी मीन, मोड और मीडियन, यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो होती हैं तीन, मीन, मोड और मीडियन, वो निकालना आपने 9th क्लास में ऑलरेडी सीखा है। लेकिन इस क्लास में, 10th क्लास में, आप लोग क्या सीखोगे? ग्रुप्ड डेटा को एनालाइज करना, उसको स्टडी करना और उसका मीन, मोड और मीडियन निकालना। तीनों सेंट्रल टेंडेंसी जो है हमारी, उनको कैलकुलेट करना। मीन निकालना हमने कल स्टार्ट कर दिया था कि हाउ टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। और उसका फर्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट मेथड, वो हमने कल सीखा था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और उसका नेक्स्ट मेथड हम सीखते हैं, जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ से हम रीड करना शुरू करेंगे। मैं इस वक्त रीड कर रही हूँ पेज नंबर 263, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज काफी बड़ी होती हैं। जस्ट अ मोमेंट बेटा, थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन किया करो, क्योंकि क्लास के बीच में फिर डिस्टरबेंस होता है, ठीक है? समटाइम्स व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू काफी बड़ी होती हैं एक्स आई और एफ आई की, तो उनकी मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट मेथड में आपको पता होगा कि हम एक कॉलम बनाते हैं एक्स आई और एफ आई के बाद नेक्स्ट जो कॉलम बनता है वो बनता है एफ आई एक्स आई का, है ना? यानी हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक्स आई और एफ आई को। ये मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था। तो ये जो प्रोडक्ट निकालने वाला जो काम है, जो प्रोसेस है, ये बहुत टीडियस हो जाती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, यानी बहुत थकाने वाली हो जाती है। टाइम भी लगता है और फिर मिस्टेक होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए एक ऐसा मेथड ढूंढते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाए। तो हम एफ आईज का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एफ आई तो क्वेश्चन में गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन होगी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम एक्स आई को छोटे नंबर में बदल सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। एक्स आई क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ, एक्स आई याद है आप लोगों को? एक्स आई किसे कहते हैं हम? क्लास क्लास मार्क, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते मार्क हैं एक्स आई, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लोअर और लिमिट दोनों प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड डिवाइडेड बाय टू। वेरी गुड। बाय यानी हमारा जो क्लास इंटरवल होता है, उसका मिड पॉइंट जो होता है, उसी को हम कहते हैं एक्स आई। क्लास मार्क भी कहते हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम ये एक्स आई की वैल्यू कम कैसे करें? तो चलो एक काम ऐसा करते हैं कि एक्स आईज में से फिक्स नंबर माइनस कर देते हैं, यानी जितने भी एक्स आई हैं उसमें से एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, मतलब कोई भी एक फिक्स नंबर ले लेते हैं और वो सारे एक्स आईज में से माइनस कर देते हैं। तो अब ये जो फिक्स नंबर होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखते हैं। चलो, द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज वन अमंग द एक्साइज। एक्साई में से ही आपको एक नंबर ढूंढना होता है, जितने भी एक्साइज हैं आपके उसमें से ही आपको एक नंबर ढूंढना होता है, जिसको हम कहेंगे अपना अज्यूम्ड मीन। उस नंबर को हम कहेंगे अज्यूम्ड मीन, और उसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए से हम उस नंबर को डिनोट करते हैं। और आगे कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी में टेक ए टू बी दैट एक्स आई विच लाइज इन द सेंटर। जो हमारे एक्साइज के सेंटर में पड़ रहा होगा उसको हम ए ले क्वेश्चन सकते हैं। ठीक है बेटा जी, बोलिए, बोलो बेटा। पूछना है कुछ आपको? अब जैसे यहां पर है मैम, ये जो पीटी फ्री होने वाले मैम, उनका सिलेबस बेटा, वो अभी क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है? प्लीज अभी क्लास में सिर्फ इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछोगे। सो ए की वैल्यू आप 47.5 ले सकते हो, या ए की वैल्यू 62.5 ले सकते हो। ये कहाँ से आई है, ये मैं जरा टेबल आपको दिखा देती हूँ। देखो ये रही, ये हमने एक्साइज कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ पे अगर आप इसका बीच का पॉइंट ढूंढोगे, कौन सा एक्साइज बीच में पड़ रहा है, यानी सेंटर में पड़ रहा है, तो आपको दो एक्साइज मिल रहे हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ एक्साइज है, इसमें एक सेंट्रल पॉइंट आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो ये आप देख सकते हो कि कौन सा सेंट्रल पॉइंट पड़ रहा है। या तो 47.5 ले लो, ए की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, या तो 47.5 ले लो या 62.5 ले लो। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? बोलो।
तो हम अगर अब जब हम दोनों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा है, दोनों में से ए कौन सा लें, तो आप कोशिश करना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उसको आप ए मान लेना। आप दोनों में से वैसे किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो 47.5 को हमने ए मान लिया। ए क्या है यहाँ पे बताओ जरा मुझे, स्मॉल ए क्या है बोलो, व्हाट इज स्मॉल ए, जल्दी बताओ। स्मॉल ए हमने किसको बोला है? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? शिवम एक बार माइक्रोफोन ऑन करो, आप लोगों को आवाज आ रही है? बंद कर। अच्छा आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। ओके तो कोई ऐसा बच्चा है जिसके यहाँ नेटवर्क अच्छे आ रहे हो? अभिनय? अज्यूम है वो आपको लेट सुनाई दे रहा है। अच्छा, मुझे लेट सुनाई दे रहा है। ओके डिले हो रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ इसे हम अज्यूम्ड मीन हमने जो लिया है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हमने ए फाइंड कर लिया तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हम अपने एफ आई का तो कुछ नहीं कर सकते, एफ आई तो उतने ही रहेंगे, हम एक्स आई को छोटा कर लेंगे। एक्स आई की जो वैल्यू है उसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ए को माइनस करके, एक्स आई में से ए को माइनस करके। तो जब हम एक्स आई में से ए माइनस करते हैं, एक्स आई में से जब हम ए माइनस करते हैं तो हमें एक नया तो मैम नंबर पी आई आ मिलेगा, जाएगा। हमें एक नया नंबर मिलेगा उसको हम कहेंगे डी, डी डी आई। और इस डी का मतलब क्या है? इस डी का मतलब है डेविएशन। डी का मतलब क्या है? डेविएशन, यानी डेविएशन जो मीन हमने माना है ना स्मॉल ए, यानी अज्यूम्ड मीन। ये स्मॉल ए का मतलब क्या है? अज्यूम्ड मीन। और एक्स आई का मतलब क्या है? क्लास मार्क। ये तो आपको मैंने सबके मीनिंग तो बता दिए कि क्या क्या चीजें हैं। एक्स आई कैसे कैलकुलेट किया है वो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो स्मॉल ए यानी जो हमने मीन माना है उससे हमारा क्लास मार्क कितना डेविएट कर रहा है उसको हम कहते हैं डेविएशन। यानी डी आई अगर आपको निकालना होगा आपको क्या करना होगा? एक्स आई में से ए माइनस करना होगा। जितने भी एक्स आई हैं उसमें से सेम नंबर माइनस करना है आपको ए। और ए आप कैसे सेलेक्ट करोगे वो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी एक्स आई वाला कॉलम है उसमें जो नंबर बीच में होगा, एक्स आई वाला जो कॉलम है उसमें जो नंबर बीच में होगा उसको आप ए मान लोगे, जो सेंटर में होगा। अगर दो नंबर सेंटर में है तो आप ये देख सकते हो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आपको करना है, यहाँ तक का काम हमने समझ लिया कि हमें डी आई कैसे निकालना है। डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है। इसके बाद अब देखो ये हम बनाते हैं टेबल अज्यूम्ड मीन मेथड की। आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तब से। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैम आ रहा है वैसे। वो थोड़ा सा नेटवर्क अप डाउन चलेगा बेटा, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट मैं समझाती हूँ। आगे देखिए उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमने कल किया था ना, याद होगा आपको 17.5, 32.5, ये वाला जो क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था डेटा को, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। आप मुझे जरा क्वेश्चन, ये रहा आपके पास पेज नंबर, क्वेश्चन है आपके पास पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर है, 262 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसका डेटा मुझे बताना है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। तो चलिए आप मुझे डेटा बताइएगा। एक मिनट, कोई ज्वाइन होना चाह रहा है क्लास में? अजय आप ज्वाइन हो चुके हो क्या? अजय नहीं हुए हैं। अजय को बोलो एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजिए, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें नेटवर्क की वजह से। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमने लिया अज्यूम्ड मीन
और इसको हम क्या करेंगे, आप टेबल बनाएंगे, तो हम क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करें, वो वाला जो क्वेश्चन है जिसको हमने कल सॉल्व किया था डायरेक्ट मेथड से, अब हम इसे दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, बट इस बार हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो चलो एक टेबल बना लेते हैं, और ये तो ज़्यादा छोटी हो गई। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम हाउ टू फाइंड मीन, ये हमारा टॉपिक है, हाउ टू फाइंड मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब चलो टेबल बनाते हैं फटाफट। तो ये हमने एक टेबल बना ली है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं इस टेबल को, क्योंकि बड़ी बहुत सारे कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, इसमें हम रोज ले लेते हैं, तो फर्स्ट जो कॉलम होगा हमारा वो होगा, बताओ फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं हम, बताइए, याद होगा आपको, क्लास 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 इंटरवल। इंटरवल्स, वेरी गुड, यस। फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। थर्ड कॉलम में हम क्या लिखते हैं, वैसे आप यहाँ पे एक्सआई भी लिख सकते हो, ठीक है, और थर्ड कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक कॉलम हमारा एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, डीआई का, डीआई का, ठीक है, तो हमें बनाने हैं टोटल, मैम डी जी, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स बनाने, ठीक है, पांच पिछली बार हम 4 कॉलम्स बना रहे थे, अब एक एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा हमारा, इसमें अज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ, अब ये टेबल हमारी बन चुकी है, फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर क्लास इंटरवल, ठीक है, और दूसरे में हम लिखेंगे एक्स आई, तीसरे में हम लिखेंगे एफ आई, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब आपकी मर्जी, आप पहले एफ आई और फिर एक्स आई भी ठीक लिख सकते हो। नेक्स्ट में हम लिखेंगे एक्स आई माइनस ए, यानी डी आई, ये डी आई का कॉलम है, ठीक है, डी आई भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, यहाँ पे इसे ऐसे लिख देते हैं डी आई, जिसकी वैल्यू होगी एक्स आई माइनस ए के बराबर। उसके बाद हम अगला कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू डी आई का, जो लास्ट हम लास्ट में पिछले है मेथड में डायरेक्ट मेथड में हम बनाते थे एफ आई इंटू एक्स आई का, यहाँ पर हम बनाएंगे एफ आई इंटू डी आई का। तो अब आप मुझे क्लास इंटरवल्स बताना शुरू करो, पहला जो क्लास, पहले तो मुझे बताओ कितने क्लास इंटरवल है हमारे पास यहाँ पे, काउंट करके बताइए, 6 6 हैं, ओके, 1 2 3 4 फाइव और सिक्स, ये हमने बना ली टेबल, ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, पहला क्लास इंटरवल बताइए कौन सा है, 10 to 25 10 to 25, ओके, नेक्स्ट 25 to 40 40 ठीक है, नेक्स्ट 40 to 45 फोर्टी टू 55 55 55 नेक्स्ट 55 to 55 to 70 60 70 है 70 70 to 85 85 to 100 ठीक है। अब मुझे आप एक्साइज की वैल्यू बताइए, कल हमने कैलकुलेट की थी है ना, एक्साइज की वैल्यू लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट की थी, उसकी वैल्यूज आप मुझे बताइए जल्दी से, फर्स्ट फर्स्ट क्लास इंटरवल के इंटरवल के लिए कितनी आई 17.5 थी, ठीक है, नेक्स्ट के लिए 17.5 32.5 नेक्स्ट 47.5 ओके नेक्स्ट 47.5 नेक्स्ट 62.5 नेक्स्ट 77.5 77.5 नेक्स्ट 22.5 ठीक है, ठीक है, एफआईएस की वैल्यू बताइए बेटा,
FI. 2 3 7. जी 2 3. अच्छा सेवन. ओके ओके सॉरी 2 3 7. अलग अलग 7 6 6 6. ठीक है, अब हमें निकालना है डीआई. तो मैंने अब देखो यहाँ तक तो डायरेक्ट मेथड जैसा ही चल रहा है सब कुछ, लेकिन अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड. हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मीन निकालने के लिए. ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, टेबल में जो एक्स आई वाला जो कॉलम है ना, इसमें हमें निकालना है एक ए ढूंढना है. तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ए हम जो एक्स आई वाला जो कॉलम है उसमें जो बीच का नंबर होता है ना, बीच बीच वाली जो वैल्यू है, सेंट्रल वाली जो वैल्यू है उसको ही आप ए मान लीजिए. लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं सेंटर में, तो आप इनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आप उसको ले सकते हो. आप 62.5 को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ ठीक है, तो हम इस वाले ये जो हमारा वैल्यू है एक्स आई का, इसको हमने ले लिया ए, हमने इसे ए मान लिया. तो अब जितने भी एक्स आई हैं उसमें से हमें ए माइनस करना है. मतलब आपको जो ये वाला डी आई है ना, फर्स्ट वाला जो डी आई होगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए जो डी आई निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एक्स आई में से यानी 17.5 में से आपको माइनस करना होगा 47.5 को. तो आपका क्योंकि पीछे वाला नंबर बड़ा है तो आपका आंसर माइनस में आएगा. जी बताइए माइनस से कितना आएगा, माइनस 30. ठीक है, अच्छा अब बताइए नेक्स्ट बताइए, 32.5 माइनस 47.5 कितना आंसर आएगा, माइनस 15. और 47.5 माइनस 47.5 आंसर आएगा जीरो. यहाँ पे कितना आंसर आएगा बताइए मैम, 15 इसमें बढ़ता जा रहे थे वो 15. यस, फिर 30. जी, और मैम 45. वेरी गुड, यही आ रहा है सबका डीआई, देख लो. यस मैम. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफआई की मल्टीप्लाई, जो एफआई वाला कॉलम है इसकी डेटा की इसकी कंटेंट की मल्टीप्लाई हमें डीआई से करनी है. तो 2 इंटू माइनस 30, एफआई डीआई की वैल्यू क्या आ गई पहले, माइनस 16. फिर 3 इंटू माइनस 15 आंसर कितना आएगा, माइनस 40. देन ये हो गया 0. ये कितना हो गया 90. ये कितना हुआ 180. एंड ये कितना हुआ 45. बताओ कितना, 270. अब हमें निकालना है, अब बोलोगे मैम हमें जो पहले हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला था ना वो ये था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. याद होगा सब बच्चों को कि ये डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला था. ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे हमने एफ आई एक्स आई तो नहीं निकाला, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एफ आई डी आई. तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो गया है. अब जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा अज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, एक्स बार इज इक्वल टू ए, ए मतलब अज्यूम्ड मीन, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई प्लस सॉरी अपॉन सिग्मा एफ आई. आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम है, पहले एफ आई एक्स आई होता था तो उसका सम यहाँ पे ऊपर लिखते थे और नीचे सिग्मा एफ आई लिखते थे. यहाँ पे सेम चीज हमने की है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. और क्योंकि हमने सारे डी आईज जो निकाले हैं वो ए माइनस करके निकाले हैं, तो लास्ट में हमने ए ऐड कर दिया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. बोलो बच्चों ये चीज सबको समझ में आई, बोलो. तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट ना. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हमें निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई. तो इसका सम करके बताओ मुझे, ये जितने भी नंबर्स हैं इनका सम करके बताओ, और माइनस को कंसीडर कीजिएगा साथ में. मतलब ये दोनों नंबर जुड़ेंगे आपस में, माइनस में आंसर आएगा. और फिर सॉल्व करके बताओ कितना आया सिग्मा एफ आई डी आई. मैम माइनस 90. नहीं माइनस में नहीं आएगा बेटा ये. मैम 435. कितना आएगा पहले देखो, मैं बताती हूँ आपको, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है ना उनको ऐड करो, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उनको ऐड करो, पॉजिटिव नंबर्स के सम में से नेगेटिव नंबर्स को माइनस कर दो. सारे बच्चे सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से.
और ये भी निकालना है, सिग्मा एफ आई भी बताना है आपको मुझे। मैम मैं अज्यूम्ड क्या करते हैं? 435 आएगा। कितना? 435। ठीक है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो क्वेश्चन में भी गिवन होगी, वैसे यहाँ से ऐड करके कितना आ रहा है? मैम 30 30। ठीक है चलो, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं और हम मीन निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज और मीन निकालते हैं। तो मैं नीचे से, अच्छा ये इरेज मैम, तो फिर ए यहाँ पे वो ही होगा ना, 47.5। यस, जो हमने ए लिया था ना, माना था, वही लिखना है हमें यहाँ पर सेम। तो एक्स बार की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इट विल बी 47.5, ए की जगह हमें लिखना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आई 435 डिवाइडेड बाय 30। अब इसे सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आंसर आया। पहले 435 जी मैम, वो ये क्या होता है, मैं थोड़ा लेट आया था। अजय लेट मतलब आए थे अज्यूम कौन सा? सुनो, ए हम क्या करते हैं, ए होता है अज्यूम मीन। मैं दोबारा से आपको जल्दी से बता देती हूँ, ध्यान से सुनना अजय। ये अज्यूम मीन मेथड ना हम तब यूज करते हैं जब हमारे एक्स आई और एफ आई जो होते हैं वो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। यानी आपने देखा होगा जो डायरेक्ट मेथड था उसमें हमने यहाँ पे कॉलम बनाया था, वो था एफ आई इंटू एक्स आई का। मतलब हमने क्या किया था, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करके इस वाले कॉलम में लिखा था, याद है ना? तो जब हमारे एक्स आई और एफ आई के नंबर्स बड़े होते हैं ना, तो हम अज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए और इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एफ आई को तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि एफ आई तो गिवन होता है क्वेश्चन में, एफ आई तो फिक्स फ्रीक्वेंसी दी होती है हमें क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, एक्स आई को छोटा करने की कोशिश करते हैं। एक्स आई को कैसे छोटा करते हैं हम, कि एक्स आई का जो कॉलम है उसमें से ही कोई एक नंबर चूज कर लेते हैं और एक्स आई के जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से उस नंबर को माइनस करते जाते हैं। जैसे कि हमने ये जो कॉलम था इसमें हमने बीच का नंबर ढूंढा तो हमें ये 47.5 मिला। अब आप बोलोगे मैम ये तो बीच में तो दोनों ही नंबर हैं, 47.5 भी है और 62.5 भी है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए, दो नंबर्स आ जाएं क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ डेटा है, तो अगर ऐसा हो जाए तो वो वाला नंबर चूज कर लेना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। ठीक है, तो हमने 47.5 को हमने ए मान लिया, अज्यूम्ड मीन मान लिया, ए का मतलब अज्यूम्ड मीन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक नया कॉलम बनाया, किसका, डी आई का। डी आई का मतलब है डेविएशन, डी आई को बोलते हैं डेविएशन। तो हमारा जो एक्स आई है वो अज्यूम मीन से कितना डेविएट कर रहा है। डी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई में से ए माइनस करके। तो पहला जो क्लास इंटरवल है इसके लिए डी आई कैसे निकाला हमने, फर्स्ट जो एक्स आई है आपका 17.5 इसमें से ए को माइनस किए, ए क्या लिया है हमने 47.5, तो 17.5 में से 47.5 को माइनस किया तो आपको मिला -30। ये अधिकतर आपको शुरुआत के नंबर जितने भी क्वेश्चन आप करोगे अज्यूम मीन वाले, स्टार्टिंग के डी आई मिलेंगे आपको नेगेटिव, बीच में एक डी आई मिलेगा जीरो और उसके बाद पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30, 32.5 माइनस 47.5 माइनस 30, 47.5 माइनस 47.5 जीरो। तो ऐसे हमने डी आई निकाला और उसके बाद लास्ट कॉलम हमने बनाया एफ आई इंटू डी आई का, यानी एफ आई, और पिछली बार हमारे पास क्योंकि डी आई नहीं था तो एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करते थे, अब हम करेंगे एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई और यहाँ पर लिख देंगे। और ये वाला आपका फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला मीन निकालने का अज्यूम्ड मीन मेथड से। अगर अज्यूम्ड मीन मेथड आप अप्लाई कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, डायरेक्ट मेथड अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बोलो अजय, समझ में आया आपको सारा? यस मैम, आ गया। वेरी गुड। ठीक है, तो अब मुझे फाइनल आंसर बताइए, आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया होगा। मैम 62। 62। कल भी हमारा डायरेक्ट मेथड से भी यही सेम आंसर आया था। डायरेक्ट मेथड से भी हमने इतना ही निकाला था ना। यस मैम। ठीक है, आपकी आवाज मुझे लेट आ रही है, आप लोगों की आवाज। एनीवे, मतलब आप मेथड आप कोई भी यूज करो लेकिन आंसर आपको सेम मिलेगा। बोलो बच्चों, आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया, अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए? यस मैम। वेरी गुड। अब हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अज्यूम मीन मेथड हम अप्लाई करेंगे।
तो अब आप, मैंने आपको बता दिया कि अज्यूम्ड मीन मेथड हम कहाँ लगाते हैं, तो आप डिसाइड करोगे कि हम कौन से क्वेश्चन में अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कहाँ करें कहाँ करें। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा एक बार, सेकंड क्वेश्चन देखो, और सेकंड क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो ऊपर वाले क्लास इंटरवल्स है ना, इनके नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनका जो मिड पॉइंट आएगा यानी एक्स आई की वैल्यूज जो आएंगी वो भी बड़ी बड़ी आएंगी, है ना? ठीक है, तो आप यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें, चलो बोलो, या कोई और मेथड यूज करना है, कोई और क्वेश्चन करना है? आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, दिस वन, फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो। बताओ मुझे कौन सा करना है आपको, कौन सा वाला क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो अज्यूम मीन मेथड से। अच्छा चलो मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ पहले, फिर 3 कराऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, या नहीं आ रही? बताओ, पहले तो ये बता दो। यस मैम, आ रही तो रिस्पांस दे दिया करो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन चला गया शायद। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक टेबल बनानी है सबसे पहले तो, और हम लोग अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। आप लोग अपनी नोटबुक में ट्राई कर सकते हो, अगर मेरे से पहले आप सॉल्व कर लेते हो तो कैमरा ओपन करके दिखा देना। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, और इसमें मुझे आप बताओ जरा कितनी कितनी रोज बनेंगी, रो कितनी बनानी है हमें इसमें, जल्दी से बताइए। किसी एक बच्चे का डिसाइड करते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे अच्छे से सुनाई दे रहा हो? मैम आवाज आ रही है, सभी को आ रही होगी। तो आ रही है मंथन, मंथन आप रिप्लाई करो बेटा। ठीक मैम, है, मेरी आवाज आ रही है मैम, क्या बेटा? मेरे पास आपकी अच्छी आवाज आ रही है, कोई नेटवर्क इशू नहीं है। अच्छा, तो फिर रिस्पांस दिया करो, ठीक है? मैंने अभी आपसे पूछा था कि कितनी रोज बनेंगी, तो आप में से किसी ने नहीं मुझे बताया। तो 1 2 3 4 5, 5 रोज बनेंगी, 5, क्योंकि 5 क्लास इंटरवल हमारे पास है। 1 2 3 4 5, ठीक है, सही बन गया। कॉलम्स कितने बनेंगे, क्योंकि अज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं, बताओ कितने कॉलम्स बताए थे मैंने अभी आपको? मैम 5 अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 14.1, क्लास 10th मैथ्स, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट कॉलम जो हमारा बनेगा उसमें क्या लिखना है हमें, ये बताइए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डेली वेजेस, मतलब 50 वर्कर हैं किसी फैक्ट्री के, 50 वर्कर्स हैं जिनकी डेली की जो सैलरी है रुपीज में, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी डेली सैलरी 500 रुपीज से 520 रुपीज के बीच में है। 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी डेली सैलरी 520 रुपीज से 540 रुपीज के बीच में। तो ऐसे ही आपको डेटा दिया हुआ है, और इसको आपको इसका मीन डेली एवरेज निकालना है, मीन डेली वेजेस बतानी है आपको यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है? उससे सॉल्व करके देखेंगे। मैम ये कौन सी एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज 14.1 14.1, यस, ठीक है? मैम, लेकिन मेरे में तो 100 to 120 दिया है, अलग दिया है। अच्छा, तो आपका बेटा बुक का डिफरेंस है, बुक में कई बार डेटा अलग भी दिया होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है।
चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए अब आप मुझे बताते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है कॉलम में? लास्ट इंटरवल। नहीं यहाँ वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। यहाँ क्या लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है वो बताइए। डेली वेजेस। डेली वेजेस। डेली वेजेस ठीक है। और ब्रैकेट में आपको रुपीज भी लिखना है, रुपीज में दिया हुआ है डेटा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में बताइए क्या क्या लिखेंगे, फिर इंटरवल्स बताइए। 100 to 120। नहीं 500 वाले बताइएगा, मेरी बुक में वही है जिसके पास 500 के हों। 500 to 520। नेक्स्ट है, ये बुक किसी के पास नहीं है क्या? 540 to 560। ठीक है नेक्स्ट। मैम और इसमें भी 60 to 580 to 600। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम किसका बनाएंगे हम बताइए? नंबर ऑफ वर्कर। नंबर नहीं वो तो ठीक है, एक्स आई का बना लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स हम यहाँ लिखेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी क्या क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एफ आई। वेरी गुड, वो बताइए कितनी कितनी है जल्दी से। 12। 14। 8। ठीक है। 6। 10। ठीक है, वेरी गुड। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 500 के बदले 100 दिया है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, मेथड तो सेम ही है ना। अच्छा, क्लास इंटरवल, ये एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो क्लास मार्क होता है वो कैसे निकालते हैं हम? अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे बताओ जरा एक्स आई कितने आएंगे, एक्स आई की वैल्यू सब बच्चे बताएंगे। कैसे निकालेंगे? 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 1020 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया आंसर? 510। अगला बताइए। 530। वेरी गुड। नेक्स्ट। 550। वेरी गुड। नेक्स्ट। 550। 570। 590। अब देखो यहाँ पे यही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज ना, एफ आई की वैल्यू तो चलो फिर भी नॉर्मल है, एक्स आई की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो हम एफ आई को तो अब जब हम अगर हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पर यूज करेंगे ना बेटा, जिन्होंने किया होगा उनको मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ी करनी पड़ी होगी क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं सारे। तो अगर आप एफ आई एक्स आई यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको काफी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे। और मैंने आपको बताओ क्या बताया था अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं इसके बाद में? बताइए। बोलो बेटा। मैम एक्स आई माइनस ए। हाँ डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। और ए की जब बात हुई तो ए पहले ढूंढना भी पड़ेगा। आप मुझे बताइए इसमें से ए कौन सा होगा? 550। यस बिल्कुल, किसने बताया 550? मैम युवराज। युवराज, युवराज आपने कैसे चूज किया 550 को? मैम मिडिल टर्म है इसी, आंसर आ गया जो एक्स। अरे वाह, ये कौन है इतना फास्ट? मैम 552। हाँ 550, क्योंकि एक्स आई के कॉलम में बीच वाली टर्म है तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा अज्यूम मीन हो गया। चलो अब हम डी आई कैलकुलेट, बिल्कुल अब हम डी आई कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो डी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स आई में से ए को माइनस करके, ये हमने ए ले लिया 550 को, हमने ए ले लिया, ए इज इक्वल टू 550, हमारा अज्यूम मीन 550 है। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए 510 माइनस 550 कितना आंसर आएगा बताइए? 40 माइनस 40। नेक्स्ट बताइए ऐसे ही कैलकुलेट करके, 530 माइनस 550 कितना आएगा? माइनस 20। नेक्स्ट 0। नेक्स्ट 20। नेक्स्ट मैम 537.6 आ रहा है मैम। 530 क्या चीज? अच्छा आंसर बता रहे हो?
यस मैम। बेटा आंसर अभी मुझे नहीं पता है कितना आएगा, मैं भी आपकी तरह सामने ही कैलकुलेट कर रही हूँ। पहले ये बताओ, ये समझ में आया डीआई कैसे निकाला सब बच्चों को? मैम मैंने निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। वेरी गुड। अब हम FIDI निकालेंगे। देखो अब तो आपको समझ में आया होगा कि हमने ये चीज क्यों की थी। ये नंबर्स बड़े थे, मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता। ये नंबर्स छोटे हैं, मल्टीप्लाई करना आसान है। तो अब हम FI और DI की मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा पहले कॉलम में, पहले रो बॉक्स में? -480। नेक्स्ट बताइए। -280। सॉरी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बताइए। 0 120 120 40। ठीक है। हाँ अब हम निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सिग्मा FIDI। जरा ऐड करके बेटा आंसर बताओ इसका, इन सबको ऐड करो। बताइए ऐड करके कितना आया? 520 तो प्लस का हो गया और माइनस का हो गया आपके पास -760। कितना आया? 260 -260। अच्छा ठीक है। यहाँ से सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आई? मैम 240 आएगा वो शायद में। 240 सॉल्व करके प्रॉपरली बताओ बेटा, गड़बड़ मत करो। मैम सिग्मा FIDI -240 है। 240 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेते हैं, इट इज -240। आप प्लीज ठीक से कैलकुलेट करके बताया कीजिए, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास आपको याद होगा। अब आप, मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताएगा, ठीक है। प्रवीण, प्रवीण मुझे अज्यूम मीन मेथड के मीन का फॉर्मूला बताइए। प्रवीण क्लास में है अभी प्रेजेंट? नहीं है, ठीक है। तो मुझे हरिओम बताएंगे। हरिओम बेटा माइक्रोफोन खोलो और अज्यूमिंग मेथड का जो मैंने फॉर्मूला भी बताया था ना आपको मीन कैलकुलेट करने का, वो बताइए। दिलीप मैम मैंने आंसर निकाल लिया। मेरा भी आ गया। दिलीप बताइए। हाँ वो बार एक्स इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बार एक्स नहीं बोलते, एक्स बार बोलते हैं, ठीक है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस मैम ब्रैकेट में उसको क्या बोलते हैं मैम? सिग्मा FIDI अपॉन में ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? 550। और सिग्मा FIDI की वैल्यू आई है -240 अपॉन अपॉन 50। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे 550, या प्लस माइनस माइनस हो गया 240, और इसको सॉल्व करो अपॉन 5 को, और यहाँ पे फाइनली सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताइए। 545.12। ये आया आंसर? यस होगा मैम, 2 होगा, 2 है मैम, 2 45.2। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये आपका, अच्छा जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से किया था सॉल्व, उनका आंसर कितना आया था? मैम इतना ही आ रहा है उससे भी। अच्छा अच्छा ठीक है।
तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि मेथड आप कोई भी यूज करो मीन तो सेम ही आएगा। डायरेक्ट मेथड भी लिखवा दीजिए। डायरेक्ट मेथड तो मैंने कल की क्लास में बताया था ना बेटा। मैम बस यहाँ पे लिख दीजिए, मैं नोट कर लूंगा। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। मैम मैंने डायरेक्ट से भी सॉल्व किया है मैम, यही आ रहा है। वेरी गुड। कौन बोल रहा है अभी आवाज मुझे पता नहीं चल रहा। मैम अभिनय। अभिनय, अच्छा ठीक है। चलो अभी ये मैंने आपको समझाया और इसका रियल एप्लीकेशन भी बता दिया कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड। अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ ना बेटा, तो भी आपकी मेरा ये सजेशन रहेगा अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए और जल्दी से सॉल्व करने के लिए आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो जब आपके पास एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज बड़ी बड़ी हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा मैम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काफी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, तो यही रीजन था कि हमने यहाँ पर सीखा कि हम कोई और मेथड यूज कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ईजी है और ये आप लोग करोगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। मैंने थर्ड कर लिया। थर्ड कर लिया, ये इजी क्वेश्चन है वैसे, थोड़ा सा बस यहाँ भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग की हुई है। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? मैम F equal 20 आ रहा है।